ट्वेल्थ हाउस के बारे में बात करेंगे जी। हाँ जी सर, रिकॉर्डिंग परमिशन चाहिए। हाँ थैंक यू सर। जी, ट्वेल्थ हाउस। ट्वेल्थ हाउस क्या बताता है जी? लॉन्ग जर्नी, एक्सपेंसेस और हॉस्पिटल। एक्सपेंसेस, जी लॉस, डिटैचमेंट है ना, लोनलीनेस, स्लीप, ड्रीम्स, ठीक है, किसी भी तरह का नुकसान। यस सर। तो सीधी सा नियम है, एनी प्लैनेट सिटिंग इन ट्वेल्थ हाउस कॉजेस द लॉस और सफरिंग रिलेटेड टू दैट हाउस मैटर्स। जो भी प्लैनेट ट्वेल्थ हाउस में बैठेगा, अभी हमने कल बात करी थी इलेवेंथ हाउस के बारे में, यही बात करी थी कि जो प्लैनेट किसी इलेवेंथ हाउस में बैठेगा उससे संबंधित आपको विश फुलफिलमेंट हो जाएंगी। अब थोड़ा सा उल्टी बात कर रहे हैं क्योंकि लॉस की बात है, तो जो भी प्लैनेट ट्वेल्थ हाउस में बैठेगा उससे संबंधित नुकसान, हानि, परेशानी प्राप्त हो जाएंगी। समझे? अब मान लो ट्वेल्थ हाउस में बैठा सन, सन मतलब ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस, इसके अलावा पिताजी, इन सब से संबंधित कुछ ना कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं। बाकी चीजों को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि फर्स्ट हाउस में कौन है, फर्स्ट हाउस लॉर्ड कौन है, सबको मिलाकर देखेंगे, लेकिन ये मोटी बात हो गई। इसके अलावा सन मतलब हेड, आईज, हार्ट, इससे संबंधित कठिनाइयां आ सकती हैं। समझ रहे हैं जी? यस सर। इसी तरह से समझो, मून, मून क्या बताएगा? मदर के बारे में, माता के बारे में, इमोशंस, मेंटल पीस है ना, मन के बारे में, भावनात्मक, तो इससे संबंधित कठिनाइयां। पुरुषों में यूरिन, किडनी से संबंधित कठिनाइयां बढ़ सकती हैं, महिलाओं में मेंस्ट्रुअल गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। सही है। मार्स होगा तो करेज, ठीक है ना, साहस, साहस की कमी, साहस की हानि। इसके अलावा छोटे भाई बहनों से थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो सकता है। यस सर। इसी तरह समझ लो, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी यदि ट्वेल्थ हाउस में बैठ जाएगा तो परेशानी आएगी, इंटेलिजेंस, लर्निंग कैपेसिटी। अगर मर्क्यूरी ट्वेल्थ हाउस में बैठा है, बहुत खराब नहीं है, बहुत खराब नहीं है, तो क्या होगा, ऐसा व्यक्ति कुछ भी जल्दी सीख जाता है और जल्दी भूल जाता है। सीखने में उसे 2 मिनट लगते हैं और भूलने में 5 मिनट। ठीक है, बुद्धि तो होगी लेकिन वो जो है कंसंट्रेशन नहीं है। सही है, एनालिटिकल स्किल्स, ये सब परेशान करेंगी। यस सर। समझ रहे हैं? जी। इसके बाद जो है मर्क्यूरी के बाद जुपिटर। जुपिटर जो है अगर ट्वेल्थ हाउस में बैठेगा तो विजडम, ठीक है, नॉलेज, इन सब चीजों से संबंधित कठिनाइयां आएंगी, ये सब थोड़ा कम हो जाएंगी। होपलेसनेस की स्टेट आ जाएगी, जल्दी व्यक्ति जल्दी ही होपलेस हो जाएगा, साहस छोड़ देगा, हाथ छोड़ देगा। सही है। यस सर। नाइन्थ हाउस को भी देखना पड़ेगा। इसी तरह से वीनस है, वीनस अगर होगा तो वीनस होना ट्वेल्थ हाउस में एक तो प्यार मोहब्बत में सफरी असफलता दे सकता है, लेकिन वीनस ऐसा प्लैनेट है जो ट्वेल्थ हाउस में बैठता है उसको अच्छा माना गया है, हर तरह के कंफर्ट, प्लेजर्स, ठीक है, लग्जरीज, ऐसी व्यक्ति को जल्दी मिल जाती है, बशर्ते बाकी चीजें भी ठीक ठाक हो तो। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति के अनेक प्यार मोहब्बत के प्रसंग बन जाते हैं। सही है। ट्वेल्थ हाउस होता है बैड प्लेजर्स का। सही है।
वीनस जो है इस तरह की परिस्थितियां पैदा कर सकता है, बशर्ते पांचवा और सातवा हाउस भी कुछ कुछ ऐसा ही कहता है तो, ठीक है, इधर उधर उसके संबंध स्थापित हो जाते हैं। सैटर्न अगर बैठे ट्वेल्थ हाउस में तो डिटैचमेंट, लॉस, लोनलीनेस, व्यक्ति को जो है पूरी तरह से वैराग्य प्राप्त हो जाता है। केतु भी यही करता है, केतु ट्वेल्थ हाउस में बैठता है तो ऐसा व्यक्ति वैराग्य जल्दी हो जाता है, यह समझो उसे ज्यादा किसी चीजों में अटैचमेंट होता ही नहीं है। सैटर्न और केतु ट्वेल्थ हाउस के लॉस, डिटैचमेंट, इसको बढ़ाते हैं, एनहेंस करते हैं। लेकिन सैटर्न अगर बैठा होगा ट्वेल्थ हाउस में तो ज्वाइंट पेन, बैक पेन, नेक पेन भी मिल सकते हैं, हार्ड वर्क करने की इच्छा कम होगी, ज्यादा उसकी मेहनत मशक्कत करने की इच्छा नहीं है। इसका मतलब सर डिसीज यहाँ भी प्राप्त होंगे जो कि सिक्स हाउस में हमको मिल रहे थे। ट्वेल्थ हाउस हॉस्पिटल जाने का भी तो होता है, ट्वेल्थ हाउस हॉस्पिटलाइजेशन का भी है। ऐसा नहीं है हर व्यक्ति हॉस्पिटल पहुंच ही जाएगा, लेकिन ये समझो इससे संबंधित आपको डॉक्टर हॉस्पिटल की आवश्यकता पड़ती रहेगी। हाँ सर, मुझे तो दूसरों के लिए जाना पड़ता ही है बहुत बार, कई बार मुझे जाना ही पड़ता है बार बार किसी ना चक्कर में। तो ट्वेल्थ हाउस में कौन बैठा है? जुपिटर है, विनस है और लॉर्ड है सन। तो जुपिटर वीनस, तो किस चीज के लिए जाना पड़ता है आपको? दूसरों को यदि कुछ जरूरत हो तो मुझे बार बार, जैसे मम्मी की बात करें, माता जी की बात करें, तो मैंने 6 महीने उनको मतलब कि अप डाउन किया यहाँ से। अरे तुमने पुण्य प्राप्त किया है ये। हाँ सर ये तो है, लेकिन और भी दीदी हो गई, चाहे किसी को जरूरत पड़ता है तो मुझे जाना ही पड़ता है। चलो, जितना ज्यादा हॉस्पिटल में तुम दूसरों के लिए चले गए उतना ही कम तुम्हें अपने लिए जाना पड़ेगा, ठीक है? हॉस्पिटल जाने की जो आपकी यात्रा थी वो पूरी हो रही है, इसके कारण से आपने जो हॉस्पिटल में लोगों की सेवा कर देना, किसी की चिकित्सा, कोई आदमी बीमार हो उसकी सेवा कर देना, उससे व्यक्ति की अपनी बीमारियां, अपनी जो कष्ट हो सकते हैं वो कम हो जाते हैं, सही है ना? जी चलो बढ़िया है जी, करते रहो, भगवान ना करे आपको अपने लिए जाना पड़े, सही है? अब देखो, कोई भी हाउस का लॉर्ड यदि ट्वेल्थ हाउस में बैठेगा तो उससे संबंधित लॉस होगा। एनी हाउस कनेक्टेड विद ट्वेल्थ तो क्या होगा? लॉस ऑफ दोज प्लेजर्स, उन संबंधों की, उन चीजों की लॉस हो जाएगा, हानि हो जाएगी। किसी भी हाउस का लॉर्ड यदि ट्वेल्थ हाउस में बढ़ जाएगा, ट्वेल्थ हाउस से कनेक्ट हो जाएगा, तो भैया वहां परेशानी आने लगेगी, सही है ना? मैलिफिक बैठे हैं तो, मैलिफिक बैठा होगा तो लड़ने का साहस भी बना रहेगा, लेकिन हानि तो होगी होगी, परेशानी तो आनी आनी है, ठीक है? जैसे सर मार्स बैठे हैं तो किस तरह की हानि होगी? पहले तो देखो किस हाउस से जुड़ा है ना मार्स, मार्स को देखो, मार्स अगर तीसरे हाउस से जुड़ा है तो छोटे भाई बहन से होगी, ठीक है? सेकंड हाउस से जुड़ा है तो फाइनेंस ऑफ फैमिली। लेकिन अगर मार्स, राहु, केतु, सैटर्न बैठे हैं तो व्यक्ति इन चीजों से घबराएगा नहीं। हमने पढ़ा था ना, मैलिफिक प्लैनेट्स इन द मैलिफिक हाउस रिड्यूस द बैड इफेक्ट, ये रिड्यूस कर देते हैं बैड इफेक्ट को, ऐसा नहीं है कि वो कार्य नहीं होगा, समझ रहे हैं? आपको उससे लड़ने का साहस बना रहेगा, आप ऐसा नहीं करोगे अरे मेरी तो जिंदगी बेकार है, अब मैं क्या करूं यार, मेरी तो किस्मत ही खराब है, साहस ही छूट गया, ऐसा नहीं होगा, सही है? फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर ट्वेल्थ में बैठेगा तो हेल्थ साधारण रूप से थोड़ी हल्की रहेगी, और व्यक्ति को बाहर जाके सेटल होना पड़ेगा, विदेश में रहना पड़ सकता है लंबे समय तक, सही है? जी। अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड ट्वेल्थ में बैठता है तो क्या होगा? सर फाइनेंस से रिलेटेड बाहर जाके फायदा होगा, फाइनेंस से संबंधित हानि हो सकती है, फैमिली से थोड़ा सा डिटैचमेंट रहेगा, फैमिली से संबंध थोड़ा सा आगे पीछे रहेंगे, जी फैमिली से दूर रहना पड़ सकता है, ठीक है ना? यस सर।
थर्ड हाउस का कनेक्शन बनेगा तो थर्ड हाउस छोटे भाई बहन, फोर्थ हाउस का बनेगा तो माता जी से मेंटल पीस, एजुकेशन, ये थोड़ा सा गड़बड़ा सकती हैं। अभी बाकी चीज़ों को भी देखना पड़ेगा, फोर्थ हाउस का लॉर्ड कौन है, कहाँ बैठा है, ठीक है, या फोर्थ हाउस में कौन सा प्लैनेट बैठा है, किसकी एस्पेक्ट पड़ रही है, सब अपना अपना जोड़ लगाएंगे थोड़ा थोड़ा। पांचवें हाउस का मतलब संतान, प्यार मोहब्बत, तो इनसे संबंधित जो है पूरी तरह से सक्सेस नहीं मिल रही है, डिटैचमेंट, लॉस। छठे का कनेक्शन यदि 12 से हो जाएगा तो क्या होगा, सिक्स्थ हाउस लॉर्ड इन द 12, तो क्या होगा, लॉन्ग टर्म क्रॉनिक डिसीज, जो बीमारियां होंगी वो आपकी थोड़ा सा लंबे समय तक टिकी रहेंगी, छोड़ेंगी नहीं, सही है, ऐसी बीमारियां ठीक नहीं होती हैं, क्रॉनिक हो जाती हैं। छठे का कनेक्शन यदि 12 से हो जाए, छठे का लॉर्ड 12 में बढ़ जाए, 12 का लॉर्ड छठे में बैठ जाए, तो ऐसी समस्या आने वाली है, ठीक है। सातवें का कनेक्शन हो जाए तो पति पत्नी, लेकिन यह भी संभव है कि पांचवें का लॉर्ड सातवें का लॉर्ड यदि 12 में बैठा है तो किसी विदेशी से, बाहर के व्यक्ति से, विदेशी का मतलब बहुत दूर, अब आप बिहार के हो और आपको किसी बंगाली, मराठी, पंजाबी से शादी हो जाए, प्यार मोहब्बत हो जाए, ठीक है, ऐसे केसेस भी बनते हैं, या फिर कोई अन्य कास्ट, अन्य कल्चर के, इंटरकास्ट भी हो सकता है, ठीक है, इन कल्चरल डिफरेंसेस हों, ठीक है जी, है तो शर्मा ही, लेकिन है तो जी ये कहीं और के, ठीक है, वो पंजाबी बोलती है और आप हिंदी बोलते हो, सही है, ऐसा होगा क्या मेरे साथ? अरे हाउस में लॉर्ड है जुपिटर बैठ गए 12th में, फोर्थ हाउस के भी हैं, तो संभव है जी, ऐसे केसेस में इसका जो बैड इफेक्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा, कि आप किसी अन्य शहर दूर के लड़के लड़की से, मतलब किसी लड़की से आपका विवाह हो जाए या फिर रिश्ता पक्का हो जाए, समझ रहे हैं, जी। या ऐसी जगह जहाँ से यात्रा करनी हो, मान लो हो सकता है वो आप ही के कास्ट वगैरह के हो पर रहते बहुत दूर हो, आपको उससे मिलने के लिए कोई यात्रा करनी पड़े, लंबी दूर जाना पड़े, ठीक है जी। तो देखो कहीं आपकी बैटिंग सेटिंग बन रही है क्या दक्षिण भारत में, अभी तक तो नहीं सर, अभी देश में कहीं बन रही है तो यूएस कनाडा में। एट हाउस का कनेक्ट है, नहीं सर अभी तक नहीं है, उत्तराखंड में ही देख लीजिएगा आसपास का, हाँ उत्तराखंड में देख लेते हैं आपके लिए, चलो ठीक है सर। शर्मा लोगों में हमारा परिचय कम है, वही सीधी बात ये है, लेकिन फिर भी कोई टकराता है तो मैं तुरंत आपको संपर्क बताता हूँ। एर्थ हाउस का कनेक्शन यदि 12 से बन जाए, एर्थ हाउस का मतलब लॉस भी होता है, सही है, सफरिंग है, इंजरी, एक्सीडेंट है, तो एर्थ का कनेक्शन 12 से होना साधारण रूप से अच्छा नहीं है, चोट पीट और वो भी हॉस्पिटल वाली, लेकिन एर्थ हाउस में अनएक्सपेक्टेड इनकम भी है, अनअर्नेड इनकम, एक नियम पढ़ा था हमने, एर्थ हाउस का कनेक्शन यदि छठे या बारहवें से हो जाता है तो व्यक्ति को बेनिफिट्स व्हेन एवरीबॉडी एल्स इज सफरिंग, जब सब जो है परेशान है, दुनिया में कोरोना छाया हुआ है, अकाल पड़ा हुआ है, उस समय कुछ लोगों ने बड़ा माल काटा है, मास्क, सैनिटाइजर, मास्क, सैनिटाइजर, सब्जी, फल, आटा, चावल सब दबा के बिका है, उन्हीं की दुकान खुली है, बाकी सब जो है हाथ जोड़ के खड़े रहे, पहले मुझे दे दो सर, पहले मुझे दे दो, सही है ना, यस सर, सब दुकानें बंद थी, दवाइयां दबा के बिकी हैं, डॉक्टर साहब की जवा के सेवा हुई है, लेकिन एर्थ हाउस का अगर लॉर्ड 12 से कनेक्ट होता है तो जो एक्सीडेंट, इंजरी से संबंधित प्रॉब्लम है वो भी प्राप्त हो जाएंगी, समझ रहे हैं। नाइन्थ का कनेक्शन यदि 12 से हो जाएगा तो पिताजी से संबंधित कठिनाई, इसके अलावा लॉन्ग ट्रेवल भी प्राप्त हो सकती है,
दसवें का कनेक्शन 12 से हो जाए तो प्रोफेशन हो सकता है आपका विदेश से संबंधित, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित। ये बात तो हम पहले कर चुके हैं ना सारी। हाँ सर। 11th का कनेक्शन 12 से हो जाए तब भी ऐसा ही है कि बाहरी लोगों से, बाहरी कंपनी से लाभ फुलफिलमेंट, ठीक है ना। चलो जी, अब 12th यहाँ 9th हाउस से वीनस जो है 9th हाउस से कनेक्टेड है मेरे। 9th हाउस का लॉर्ड 12 में बैठा है। हाँ, खोल देते हैं। 9th हाउस का लॉर्ड है वीनस। हाँ सर। 9th का लॉर्ड भी और 7th का भी, ऐसा कैसे हो जाएगा? अच्छा, टू सर, टू और सेवन। अरे क्या बोल रहे हो, आपने अभी कहा 7th का लॉर्ड भी 12 में है। सर वीनस होते हैं ना, टू और सेवन के लॉर्ड। अच्छा अच्छा सही है सही है। 7th का तो जुपिटर बताया आपने, चलो सही है। हाँ सर, 9th हाउस में वीनस चलो सही बैठे है। हैं। हाँ ठीक है, तो वीनस जो है 9th हाउस से बैठा है तो पिताजी से दूर रहना पड़ सकता है, पिताजी से थोड़ा डिटैचमेंट हो सकता है। अभी सन को भी देखना पड़ेगा और 9th हाउस को भी देखना पड़ेगा, 9th हाउस में कौन प्लैनेट बैठा है। पिताजी से दूरी हो सकती है, ठीक है। लंबी यात्राएं मिल सकती हैं सन आपको, बैठे हैं सर फर्स्ट हाउस में। तो सन तो फर्स्ट हाउस में बढ़िया ही है। जी इसके अलावा जो है यात्राएं, घूमना फिरना आपको बहुत सारा जीवन में प्राप्त हो जाएगा, सर, मिलता है। दुनिया भर में आप घूम सकते हैं। यात्रा करने का आपका शौक निश्चित रूप से पूरा हो जाएगा, यात्रा वो भी लंबी वाली। नेपाल तक जा चुके हैं सर। अरे नेपाल तो पड़ोस में ही है, नेपाल का क्या है। ठीक है ठीक है सर। चलिए जी, स्लीप और ड्रीम्स। 12th हाउस स्लीप और ड्रीम्स को भी बताता है ना, जी तो 12th हाउस में यदि प्लस मैनी प्लैनेट्स, 12th हाउस में ज्यादा प्लैनेट बैठ जाएंगे तो भैया स्लीप नहीं आएगी, स्लीप डिस्टरबेंस। ठीक, किसी भी हाउस में ज्यादा प्लैनेट बैठते हैं तो वो हाउस महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन साथ में उस हाउस से संबंधित कठिनाइयां भी पैदा हो जाती हैं। पढ़े ना हम, जी 12th हाउस में यदि दो या दो से ज्यादा प्लैनेट बैठेंगे, जैसे आपकी हॉरोस्कोप में ऐसा हो ही रहा है, तो आपको नींद आने की कठिनाई हो सकती है, कभी बहुत ज्यादा आएगी कभी नहीं आएगी। ज्यादातर लोगों को नींद नहीं आती, ठीक है, देर से बहुत आती है, रात को 2 बजे तक जाग रहे हैं जी, सही है। ऐसा आपके साथ भी अनेक बार प्राप्त हो जाएगा, अभी उम्र कम है आपकी, शायद अभी ना हो रहा हूं। होता है होता जी, है सर। जी होने लगा होता है। ऑलरेडी, तो दबा के सूर्य नमस्कार करिए आप, ठीक है। सूर्य नमस्कार करने से लाभ होता है, सुबह उठना ऐसे लोगों को भारी हो जाता है। नहीं सर, उस दिन के बाद में थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट फील हुआ, तो क्या बोले, सो गया। उस दिन सर लेट उठे थे ना, 2 बार हो चुका मेरे साथ, तो एम्बैरेसमेंट फील हुआ थोड़ा सा, तो अब खा पी के सो जाते हैं। हाँ प्रयास करिए, अन्यथा आपको जैसे कहते हैं ना बढ़िया वाली कठिन वाली नींद आने की समस्या हो जाएगी, और फिर आप जो है इससे परेशान अधिक होंगे। अगर से अभी से अभ्यास खराब हो गया फिर जो है पता चलेगा आने वाले टाइम में, 10 साल बाद। 12th हाउस में यदि मार्स या राहु जुड़ जाते हैं तो बैड ड्रीम्स, ठीक है, ऐसे व्यक्ति को खराब सपने, डरावने सपने, सपने में डर जाता है वो, सही है। इसके अलावा कई बार स्लीप वॉकिंग, स्लीप टॉकिंग भी चालू हो जाती है, ठीक है। ज्यादातर ऐसा जो है कम उम्र में ही होता है, 1 उम्र के बाद स्लीप वॉकिंग, स्लीप टॉकिंग कम हो जाती है, लेकिन फिर भी हो तो सकता ही है, सही है जी। इसके अलावा यदि 12th का लॉर्ड 8th में बैठ जाए तब भी ऐसी होता है, ठीक है, खराब स्लीप, खराब सपने, खराब परिस्थितियां, ठीक है ना। यस सर। 12th के साथ यदि सैटर्न या केतु बन जाए तो ये व्यक्ति को साधारण रूप से किसी भी तरह के आकर्षण, मतलब
एक नॉर्मल डिटैचमेंट उसके जीवन में कम उम्र से आने ही लगता है, ठीक है, नेचुरली उसको डिटैचमेंट हो जाता है, अरे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता यार, जो चाहे दे दो, ठीक है, स्वाभाविक रूप से। ट्रेडिशनली कहते हैं, किताबों में लिखा है, 12th हाउस में केतु पैदा हो तो मोक्ष प्राप्त हो जाता है, ऐसा नहीं होता, मतलब ऐसा थोड़ी है कि बस सबको 12th हाउस में केतु मिल जाए और सारे दुनिया सब मोक्ष प्राप्त हो जाएगी। इसका अर्थ केवल इतना है कि वो व्यक्ति जो है थोड़ा सा डिटैचमेंट होता ही है नेचुरली, 9th हाउस अच्छा हुआ तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में भी कुछ ना कुछ वो प्रगति कर लेता है, करता रहता है, थोड़ा 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 वो आगे बढ़ता रहता है, समझ रहे हो? यस सर। उसको लिटरली नहीं समझ सकते हैं। किताब में ऐसा लिख देते हैं मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, सही है, जी इसको स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कह लो, अगर प्रैक्टिस प्रयास करे तो। हर आदमी को फ्री में कुछ नहीं मिलता, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। चलो जी, 12th हाउस में कुछ रह गया हो तो बताओ। 12th हाउस में एक वर्ड है, हाँ, 12th हाउस की क्वालिटी एनलाइटमेंट है सर। एनलाइटनमेंट, मोक्ष, वही तो है। एनलाइटनमेंट का मतलब है आत्म साक्षात्कार, तो वो केवल बस ये कह देते हैं कि 12th हाउस एनलाइटनमेंट का है, तो एनलाइटनमेंट प्राप्त हो जाएगा, ऐसा कहना मेरे हिसाब से गलत है। क्यों गलत है? कि भई ये कार्य जो है कर्म पे आधारित है, हॉरोस्कोप पे आधारित नहीं है। हॉरोस्कोप नहीं बता सकती कि आपको मोक्ष मिलेगा नहीं मिलेगा, या तो कोई ऐसे संत हो, कोई बड़े पहुंचे हुए सिद्ध व्यक्ति हो कि वो देखे आपको और बताए कि हाँ भाई ये आदमी सच में आगे बढ़ रहा है, मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन 12th हाउस जो है उसकी तरफ रुचि प्रदान करता है कि आपकी नेचुरल रुचि रहेगी इस तरफ। ये सर कौन कौन प्लैनेट हेल्प करते हैं? क्या जी? ये कौन कौन से प्लैनेट हेल्प करेंगे इसमें? सबसे ज्यादा सैटर्न और केतु, और थोड़ा बहुत जुपिटर। सैटर्न और केतु जो है व्यक्ति को आकर्षण में कम फंसाते हैं, उसे अकेलेपन से परेशानी नहीं है। सैटर्न भी एक लोनली प्लैनेट है, बेचारा बूढ़ा आदमी है, केतु भी बूढ़ा आदमी है, जिंदगी में जो प्राप्त करना था देखना था देख लिया, अब स्वाभाविक रूप से उनको जो है डिटैचमेंट हो रहा है, ठीक है, अकेले रहने में समय काटने में कोई परेशानी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं तो भाई अपने पति पत्नी परिवार के बिना रह ही नहीं सकता, मैं ठीक है रह सकता हूँ, परिवार होना चाहिए, सभी की इच्छा होती है, होनी चाहिए, लेकिन ऐसा व्यक्ति को ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, सही है, फर्क नहीं पड़ता उसे। हाँ, इसमें लिखा है नियम, एक नियम रह गया, वीक मून, मून यदि बहुत खराब हो 12th हाउस में, ठीक है, तो मेंटल इमोशनल प्रॉब्लम गंभीर वाली हो जाती है, और महिलाओं के लिए तो मेंस्ट्रुअल गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी पड़ जाती हैं, गंभीर वाली, थोड़ी वाली नहीं ज्यादा वाली। यदि मून बैठा है 12th हाउस में और उस पर एस्पेक्ट पड़े मैलिफिक की, या डेबिलिटेटेड हो जाए, या मून बैठा है 12th हाउस में बराबर में बैठे सैटर्न मार्स राहु केतु, तो मून जो है बड़ा खराब हो जाएगा, उससे संबंधित खराब खराब समस्याएं आने लगेंगी। ज्यादा से ज्यादा सर सुसाइडल केस भी यही होता है क्या? सुसाइडल हो, इसके लिए तो सन भी देखना पड़ेगा, 8th हाउस भी देखना पड़ेगा, लेकिन सुसाइडल, हर आदमी सुसाइडल क्यों बनाना, ठीक है, नहीं बनाना सर, बट देखने में समझ में आ जाता है। डिप्रेसिव टेंडेंसीज हो सकती हैं, दुखद रहेगा उसका मन, दुखी रहेगा, परेशान रहेगा, ठीक है, लेकिन अगर सूर्य भी खराब होगा तब साहस कम हो जाएगा, आत्मविश्वास कम हो जाएगा, तब जाके उसके अंदर सुसाइडल थॉट, सुसाइडल टेंडेंसीज पैदा हो सकती हैं, समझ पा रहे हैं? जी। बोलिए, यहां तक कुछ पूछना चाहते हैं तो? आज मुकेश जी तो गायब ही हो गए, चलो जी, कुछ बातें पूछनी है आपको, पूछनी है हमें, पूछनी है वो कल करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका क्या कार्य है, आपके लिए होमवर्क है ये 12 के 12 हाउसेस पढ़ने, ठीक है सर, ठीक है, और 2-4 बार अभ्यास करना, और उसके बाद यदि आपको समय और साहस हो
तो ये वाला चैप्टर पढ़ना है आपको, साइकोलॉजिकल मीनिंग्स ऑफ प्लैनेट्स, ठीक है? यस सर, थोड़ा थोड़ा टच कर रहा था मैं सर, ऐसे ही देखा था ऊपरी ऊपरी। हाँ पढ़ लेना अगर आपको समय मिलता है तो, इसके बारे में चर्चा, अगला चैप्टर हम यही पढ़ेंगे, ठीक है? ओके सर एक बार पढ़ लेंगे तो काम आसान हो जाएगा। जी चलो जी, आगे की बात उनके सामने ही कर लेंगे, थोड़ी सी बातचीत अभ्यास करेंगे कल को। हाँ सर, उनको आ जाने दीजिए कल। क्योंकि बहुत कुछ छूट जाएगा फिर, आगे पीछे हो जाता है। जी ठीक है जी, कल मिलते हैं सर। ओके सर, प्रणाम ये तो मुकेश जी चमक चमक रहे हैं। सर, नमस्कार जी, नमस्कार जी, कहाँ रह जाते हैं सर? गुड मॉर्निंग सर। हैं? स्क्रीन फ्रीज हो गई है सर की। चलो नहीं भाभी, हेलो मुकेश जी।